आखन लगा अगर यह दुनिया की तरह यह बादशाह हुंदा तो यकीन अज मैं इन्हें कतल कर देना, मालूम हुंदा कि अल्लाह का सच्चा पैगंबर तां मैं छोड़। मैं अच्छे वापस आया आन के अंदर अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान होना चाहना। आपने फरमाया तेरिया तो असा बेड़िया उतारियां। कह लगा अल्लाह के रसूल अब तुसा मेरिया बेड़िया जो उतार दी, लेकिन तेजे अखलाक तेजे किरदार के मेरा जिला के उत्ते तुसा तारा रखता है। हूं मैं कितने जा सकता, हूं मैं किधर जावा? और सोचने वाली बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के सुतून के नाल उन्हें क्यों बनिया? इस बिना के उत्ते आपने दसिया कि मस्जिद तो जेल का काम भी लिया जा सकता है। इन्हों की अखलाकी तरबीयत और इन्हों ने किरदार साधी वो मस्जिद के अंदर ही हो सकती। फिर नमाजी आप ही आके देखे कि नमाजी किस तरह अपनी ईमान की तबाह से फरमानबरदारी करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल कितनी ज्यादा इन्हें मुहब्बत से प्यार है। और यह चीज देख और देख के तो फिर इस्लाम के करीब आज यह हकीकत है। साड़ी आज मसाजिद देख लो, वो मसाजिद जरा इतफाक की अलामत थी, जिन्हें मसाजिद के अंदर मुहब्बत से अकूबत का दर्द देना थी, आज वो लड़ाई तक फितनी की जगह बन गई। साढ़े एक साथी भी आए, असि कई दफा शहरपुर जाना या फिर आओ जी बाजार से जाने फिरने, कोई मुसलमानों की मस्जिद भी है कि नहीं? जिथे जाना है नहीं सारी मस्जिद, ऐ सुनिया की मस्जिद, ऐ शिया की मस्जिद, ऐ फलाने की मस्जिद। ईमानदार की बात है, अज जो इस मसाजिद सन अब जो फितने का घर बन चुकी है, कोई मुसलमाना की मस्जिद कि जाके तुम देख लो, कोई ऐसी बात कोई ऐसी चीज नहीं। और ये एक दूसरी बात की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू यह चीज भी दिती दसी कि मस्जिद के अंदर एक बद्दू आ गया। उन्हें देखा कि बद्दू ने मस्जिद कहीं आ के तो पेशाब शुरू कर दिता, देहाती आदमी पेंडू आदमी से उन्हें एक जगह बह के तो पेशाब करता। साबा इकराम मतलब पिछे पैरे वो आखन लगे तू की कर रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू वो छोड़ कर। और जिसमें छोड़ता फरमाया पानी का ग्रोल लगाकर तो उसे बहा लो, फिर बहा दिता गया। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को आख्या बदू, उन्हें आख्या अल्लाह के बंदे मसाजिदा ये मस्जिद अल्लाह के घर ने, फरमाया कि यह गंदगी के वास्ते नहीं, यह सिर्फ इबादत के वास्ते नमाज के वास्ते। वो बंदे समझ आ गई, नमाज उन्हें अदा की, नमाज को अदा करने तो बाद कहना कि वल्ला है अल्लाह की कसम उठाकर मैं कहना कि मां रहे तो मल्ला मना सना मेनू यहो जी उस्ताद मैंने नहीं आज तक कभी नहीं देखा। वो इतनी बड़ी मेरी गलती, इतना बड़ा मेरा जुर्म, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना ही आख्या पर मैं कोई बात नहीं लेने छोड़ दू। अब क्या साडा भी अखलाक नहीं? क्या साडा भी तरीकेकार मसाजे के अंदर है? अगर कोई मुक्त